तुमने सुना नहीं मुबीन, मैं जा रही हूँ डैड के साथ। तुम्हारी बात सुन ली कोमल, अब तुम सुनोगी। तुम कहीं नहीं जा रही, यहीं रहोगी। मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। वजह कोई भी हो, तलाक जैसे धब्बे को अपनी जिंदगी पे लगाने से तो बेहतर है इंसान कंप्रोमाइज करे, घर बसाने की कोशिश करे। लेकिन ना बसाने वालों के लिए हजार बहाने हैं। वानिया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। रिकॉर्ड काफी अच्छा है आपका, और उम्मीद करता हूं आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा रहेगा। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं, और इस नाते से आप अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सकती हैं। मजाक कर रहा हूं, मैं लाइट मूड में काम करने का आदी हूं, और मजाक तो जिंदगी का हिस्सा है। आई होप यू डोंट माइंड। जी बिल्कुल। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? श्योर। आर यू श्योर कि आप इस हालत में मेरे साथ, मेरा मतलब मुझे असिस्ट कर पाएंगी? जी जी डॉक्टर, डोंट वरी, आई विल मैनेज। कूल। आपको मेरी कोई भी जरूरत हो तो बिला झिझक यू कैन कॉल मी। श्योर, थैंक यू। थैंक यू। अरे नहीं नहीं आलिया सुनो तो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे इंतजामात कंप्लीट कर लिए, आई होप सब प्लान के मुताबिक हो। ओके। खूबसूरत रिश्ता था हमारा, कितनी आइडियल लाइफ थी। क्या कर दिया कोमल तुमने सब कुछ। एक दूसरे को देखकर खुशी की इंतहा नहीं होती थी हमारी, मगर अब शायद बर्दाश्त करना भी मुश्किल नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो नूर, और कैसा रहा आज का तुम्हारा दिन? वालेकुम सलाम। अदील आप कहाँ रह गए थे, मैं कितना परेशान हो रही थी। मुझे पता तुम बहुत परेशान होगी, सारा दिन मेरी फिक्र सता रही होगी, बट आई एम गुड। देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और ये देखो मैं क्या लाया तुम्हारे लिए, अच्छा है ना? अदील, मैं सच में आपके लिए बहुत परेशान थी। I know, मुझे मालूम है तुम बहुत टेंशन में हो, इसलिए तुम्हारी टेंशन का हल लेकर आया हूँ अपने साथ। और हाँ, एक और सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए, हम अभी इसी वक्त डिनर पर जा रहे हैं। कल मैं जा रहा हूँ ना, सोचा क्यों ना आज हम एक साथ कुछ अच्छे लम्हात गुजार लें। यही तो मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले आप कम से कम बाबा को तलाक की हकीकत ही बता दें। ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहा हूं मैं, इन फूलों की जगह यहीं पर है। तुम जरा मुझे एक बात तो बताओ, आज तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह कहां है?
कहाँ कहाँ स्टैंड करता हूँ तुम्हारी लाइफ में मैं? बोलो, जवाब दो, बताओ। आदिल, आदिल, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि आप मेरी तलाक। तलाक 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 क्या हो गया तुमको? इतने अरसे से मैं यही बात सुने जा रहा हूँ और इसके अलावा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? और इसके अलावा हमारे दरमियान कोई और बात नहीं करने लायक? क्या हो गया तुम्हें? हमारे दरमियान के रिलेशन को तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर चाहता था कि तुम अपने साथ डिनर पर लेके जाऊं जाने से पहले। अपनी गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी बातों की पड़ी। तलाक जैसे माजी को तुम हमेशा हमारे रिलेशन के अंदर लेकर आ जाती हो, क्यों? आदिल, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूं। इतने अरसे में मैं तुम्हें समझ चुका हूं। तुम्हें बस सिर्फ अपनी बातों की पड़ी रहती है, दूसरे का तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं है। मेरी फीलिंग्स क्या है तुम्हें कोई कंसर्न नहीं इनसे। तुम्हें तो बस खुद को सच्चा साबित करना और बस। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है आदिल। ऐसा ही है, सब पता है। डोंट वरी, मीटिंग से वापस आने के बाद पहला काम मैं यही करूंगा, सब कुछ बता दूंगा, बस। गलत समझ रहे हैं आदिल, ऐसा भी मैंने क्या कह दिया है कि आप? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप बाबा को जाएं और बता दें कि बाबा बाबा बाबा, तुम्हारे पास कोई और बात नहीं करने को, कोई अच्छी बात? पर प्लीज, मुझे सफाईयां देने की जरूरत नहीं, मैं सब समझता हूँ। कंट्रोल अदील, कंट्रोल। पागल हो चुका हूं मैं, इसकी मामूली बातों पर रिएक्ट कर रहा हूं, या फिर वो मुझे जानबूझकर पागल कर देना चाहती है। उफ, सर फट जाएगा मेरा, पागल हो जाऊंगा मैं। हेलो, नहीं सर, वो बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। जी जी, मैंने दोपहर में रिजर्व करवाई थी, अब एक्चुअली हम लोग आ नहीं सकते। अब नहीं, सब खैरियत है, बस आप कैंसिल कर दीजिए। और सुने, वो जो सरप्राइज अरेंजमेंट था वो भी कैंसिल कर दीजिए। थैंक यू। इस रिलेशन के लिए ब्रेक बहुत जरूरी है। जी भाई, हम लोग यहाँ आ भी गए हैं और सेट भी हो गए, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का, बस आपकी फिक्र लगी रहती है। मत किया करो मेरी फिक्र, मैं बच्चा नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं, बस कोमल के बचपने की वजह से फिक्रमंद रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ है भाई? कुछ खास नहीं, बस वही रोज रोज के झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, उकता गया हूँ मैं इस सबसे। किसी ने फैसला किया कि कैसा फैसला? ये फैसला किया कि बाहर जाने से पहले उसके डैड जो वसीयत करके गए वो तमाम पैसों से ले लो, क्योंकि मुझे डर है कि अगर एक बार और हमारा झगड़ा हुआ तो हमारा घर टूट सकता है, क्योंकि मेरी सकर की वजह से वो पागल होती जा रही है। बहुत अच्छा फैसला किया भाई आपने, उसका जो दिल चाहे जैसे दिल चाहे वो पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप वो पैसे इस्तेमाल करें जो आप खुद कमाते हैं। हाँ, बस यही सोचा मैंने, मुझे ही सरेंडर करना होगा तभी हमारा रिश्ता बच सकता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई, डोंट वरी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। तुम लोग भी अपना ख्याल रखो। ये नूर बीबी यहाँ क्यों सो रही है? नूर बीबी, नूर बीबी उठिए, उठिए नूर बीबी, आप यहाँ क्यों सो रही है? आदिल आ गए, वो आए तो थे पर अपना सामान लेके चले गए। चले गए? क्यों? मिले भी नहीं। तुम जाओ,
ठीक है। तुम कब से मोबाइल यूज करने लगी नाश्ते के दौरान? अरे असलम इतने फनी जोक्स हैं। कौन भेज रहा तुम इतने मजे मजे के जोक्स? हाँ वो डॉक्टर मेहर है ना अपने, वो जो सीनियर डॉक्टर है, ही इज सो फनी, बहुत हंसाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। चलो इसी बहाने तुम्हारी हंसी की आवाज इस घर में गूंजती रहे। तो हंसती रहे, खिलखिला के हंसती रहे इस घर में, किसने मना किया ऐसे? हंसो। इसे क्या हो गया? वो बड़े साहब आज नूर बीबी। क्या हुआ नूर को? वो सुबह जब मैं आई तो नूर बीबी यहीं बाहर सो रही थी। क्या मगर क्यों क्यों ये तो पता नहीं, लेकिन उठते ही वो अदील साहब का पूछने लगी। अब मैं देखती हूँ। अब तुम रहने दो, मैं देखता हूँ। मुबीन, ऑफिस चल रहे हो मेरे साथ? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, वैसे एक बात पूछूं? पूछो। आज तुमने कैसे पहल कर ली मुझसे बात करने में? ऐसी कोई बात नहीं, वो क्या है ना मुबीन, मोहब्बत हो या जंग, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। सो व्हाट, मैंने कर ली। या वन मोर थिंग, मैं अपना बिजनेस अलग कर रही हूँ। अलग? सॉरी, अलग नहीं कर रही हूँ, तुम्हें अपने बिजनेस से निकाल रही हूँ। ओके? बाबा आप बैठिए। थैंक यू बेटा। ये लैला कहाँ रह गई? लैला बेटा आओ। आ बेटा रख दो। बाबा इसकी क्या जरूरत थी, मैं आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया, मैं नीचे आ ही रही थी। अरे बेटा रोज हमारी बेटी हमारे पास आती है, आज उसके बाबा आ गए। देखो बेटा मुझे नहीं पता तुम्हारा और अदील का क्या झगड़ा हुआ है, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, शौहर की नाराजगी वक्ती होना जरूरी नहीं है। हाँ मेरा बेटा अदील ऐसा नहीं है, वो बहुत ही नर्म दिल इंसान है, कभी भी किसी से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। और फिर तुमसे नाराज क्यों होगा, तुम तो उसकी बीवी हो। नहीं बेटा नहीं, रोते नहीं है बेटा, मुझे तुम्हारे रोने और नाराजगी की वजह नहीं पता, मैं जानना भी नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरा बेटा अदील जब वापस आएगा ना तो उसे याद ही नहीं होगा कि सुबह क्या हुआ है। बुरे नहीं है बाबा, शायद मैं ही गलत हूं, उन्हें समझ ही नहीं पाए। नहीं बेटा इंसान कभी भी गलत नहीं होता, गलत रवैया होता है, उम्मीद होती है, वक्त होता है, एक दूसरे को वक्त देना सीखो, सब ठीक हो जाएगा। सही है जी। गुड। अच्छा चलो अब नाश्ता शुरू करो, और हाँ पूरा खत्म करना है। ओके शाबाश बेटा, शुरू करो। आप मैं आता हूं ओके, लेकिन इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू बेटा। Thank you.
बाजी, आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलो। आप यहाँ किस रिश्ते से आए हैं? क्या मतलब? सिंपल सा क्वेश्चन, आप यहाँ किस रिश्ते से आए हैं? जाहिर है, बहू बनकर। पता, यही आपकी गलती है। क्या मतलब? वो ऐसे कि आप यहाँ अदील भाई की बीवी की हैसियत से आए हैं, उसके बाद आप एक बहू, एक बेटी, एक भाभी बनती हैं। पता नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अदील भाई हैं, और बाकी सब रिश्ते तो आपको उनके नाम से मिले हैं ना, ये बात कभी भी मत भूलिएगा। और जिसकी बदौलत हमें ये सब कुछ मिला है, उसी को अगर भुला दे तो ये कहाँ का इंसाफ है? पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ। सजा सबरा करें, मुस्कुराया करें, हमारी लाइफ में से सारे दुख और दर्द दूर हो चुके हैं बाजी। एक अच्छी जिंदगी गुजार, और अल्लाह ताला ने अदील भाई को एक फरिश्ता बना के भेजा है हमारी जिंदगी में, उनको इन सब चीजों का सिला आखिरत में जरूर मिलेगा। मगर आपका क्या, एक बहू और एक बीवी के फराइज तले दब गए आप तो? देखिए, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। थिंक अबाउट इट।